कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, अभी मैं देहरादून निकल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कर दिया। मैंने पहला ब्लॉग बनाया नहीं शुरू से, तो अभी जस्ट कॉल आया था दोस्तों का, वो कोटद्वार से देहरादून पहुँच चुके हैं और मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। बैग बुक मैंने पैक कर दी है, मम्मी ने थोड़ा सामान सामान रख दिया है जो भी चाहिए था, बाकी मैंने सब कुछ सामान रख दिया है। अब उनका भी कॉल आया था मुझे कि वो लोग देहरादून पहुँच चुके हैं, मैं भी देहरादून के लिए निकल रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर देहरादून पहुंच के, देखते हैं। सो फाइनली गाइस, मैं देहरादून के लिए निकल गया हूं और मैंने अपने दोस्त से स्कूटी एक्सचेंज कर ली है। सो मैंने बाइक ले ली है। फाइनली गाइस, मैंने अपने दोस्त से बाइक ले ली है, तो उसकी बाइक लेके जा रहा हूं मैं। तो गाइस अब रास्ते में हूँ मैं, बस पहुँचने वाला हूँ देहरादून कुछ टाइम बाद। तो गाइस निकलते हैं। मुझे लग रहा है मेरे दोस्त लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो उनका कॉल भी आया था कि भाई तू कहाँ पहुँच गया है, तो गाइस निकलते हैं। तो फाइनली देहरादून पहुँच के मैं दिखाता हूँ कि वो लोग कितना वो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, फाइनली गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये मेरे दोस्तों का घर है जहाँ पे वो लोग अभी स्टे कर रहे हैं। मैंने बाइक थोड़ा उधर पार्क की है, मैं आपको दिखाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा था, तो मैंने बाइक उधर ही पार्क कर दी है। तो गाइस हम यहाँ से यहाँ घर पे पहुँच चुके हैं और भाई लोग अंदर हैं, तो मिलते हैं भाई लोगों से। ये देखिए ध्यान से देखिए इन लोगों को, ये देखो एक गेम खेल रहे, कोई इज्जत दिए कोई कुछ नहीं। ये देख रहे हो एक भाई मेरा, ये है बस, सिर्फ गेम खेलने से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं इसको। और लोग कहाँ गए? ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस मिस वर्ल्ड। हाय मुंशी, ठीक मिस है वर्ल्ड तू? का हमें बहुत इंतजार था। फाइनली गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा सा हम लोग बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं। वो फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, भाई लोग सब रेडी हो चुके हैं। सौरभ भाई रेडी हो चुका है, पंकज ब्रो रेडी हो चुका है, बैग हमने तैयार कर दिया है, भाई की ब्रो तैयार है, मेरी बाइक बाहर खड़ी है। गाड़ी पे कपड़ा मारने, ये मेरे को बोल रहे गाड़ी पे कपड़ा मारने के लिए। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं, अभी प्लानिंग बताता हूँ, मैं रास्ते में बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ निकलना है। हम लोगों ने छुपा रखा है, आपको भी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है गाइस, देहरादून में ही घूम रहे हैं, अभी कहीं गए नहीं। गाइस गाड़ी उड़ी हमने पार्क कर दी है, गाड़ी हमने लगा दी है, स्कूटी लगा दी है, हेलमेट में निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल देता हूँ क्योंकि बहुत पसीना हो गया है। भाई का बैग वूग सब साथ में जा रहा है, सबका बैग जा रहा है, जहाँ पर देखते कुछ खाते हैं। गाइस बहुत भूख लग गई है, तो अब देखते हैं। हेलो गाइस, फाइनली गाइस हम लोगों ने राजमा चावल मंगा दिया है, बहुत जोर की भूख लगी है। बाकी ब्रो, बंकी ब्रो भूख कितनी लगी तुझे? प्याज ज़्यादा लग रही अंकित, तुझे भूख लगी? मुझे तो लगी यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। राखी को थोड़ी बहुत लगी है, सौरभ भाई को बिल्कुल भूख लगी है। गाइस हम खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। फाइनली गाइस हमने बीच में अभी स्टॉप किया है, तो मुझे जगह का नाम पता नहीं है। अब हमने बाइकें चेंज कर ली है, भाई फिर बुलेट चला रहा है, सौरभ भाई पीछे बैठा हो, पैसे पीछे बैठ के आएगा, और क्योंकि उनका बैग है तो उसको लेके जाना पड़ेगा। अंकिता बहुत थक गई है, अंकिता अभी कैसे लगा महसूस हो रहा है? अरे बहुत गंदा महसूस लगा, राखी भी बहुत थक गई है, हम सब थक गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हम जकार्ता पहुँचे, उसके बाद वहाँ जाके रूम लें और रेस्ट करें, घर निकलते हैं। हम चक्राता पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे भी होटल ढूंढ रहे हैं। सबको दिखा दे, नागू भी देखेगा कि हम कहाँ पहुंच गए। वो थोड़ा है मेरे साथ है। हम चक्राता पहुंच गए और मेरे भाई लोग वहाँ पे रूम के रिसेप्शन से बात कर रहे हैं, मौसम मिला है और यहाँ पे कुछ एंजॉय करिए, कोई मतलब नहीं, हमारे फोन में कोई टेंशन सब कुछ, बाकी यहाँ पे बहुत ठंड है। देखो यार लड़की है, अभी से हार गए, अब आपकी लड़की नहीं शादी होती है, अभी क्या होगा?
होटल मिल चुका है, इस होटल में आ चुके हैं। तो भाई लोगों ने होटल देख लिया है, बाकी अब देखते हैं। भाई लोगों ने ऑलरेडी रूम देख लिया है, बोल रहे कि काफी अच्छा है। अब देखते हैं कि कितना अच्छा है रूम, अंदर ऊपर जाके पता चलेगा कि कितना अच्छा है रूम। बाकी ठंड बहुत लग रही है आज। गाड़ी हमने पार्क कर दी है ऊपर, गाड़ी हमने ऊपर लगा दी है। भाई यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, आईडी सुडी से भाई लोग फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो भी आईडी दे रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ कर निकलते हैं। बैग ऊपर दे दिया हमें, बाकी भाई फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, इसके ऊपर चलते हैं। देखें अंकी अंकी आ गए हैं, बाकी भाई लोग ऊपर जा रहे हैं। मैं तो फाइनली अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग, अब देखते हैं किस तरीके का रूम है। मुझे लगा इससे ऊपर है, अभी ऊपर फ्लोर टन रूम लेंगे हमें। वहाँ के लोकेशन तो ऑलमोस्ट अच्छा है, तो देखते हैं ऊपर जाके। और सो गाइस जो रूम है हमारे वो ऊपर है, तो हम लोग ऊपर चल रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके का रूम्स है। तो सो मान लिया रूम काफ़ी अच्छा है, है नहीं है। चलो गाइस ये हमारा रूम जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। हम पहुँच चुके हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब बढ़िया है। लाइटिंग वीटिंग आप देख सकते हो, लगी हुई यहाँ पे। देख हालत देख सकते हो आप हमारी किस तरीके से हालत तो बहुत अच्छी हो रही है। ये देखो गाइस, इसने पूरे मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, इसी वजह से इसका फेस कितना क्लीन दिख रहा है। हमारा तो ऐसा हो रहा है गाइस, पूछो मत, इतना गंदा फेस हो रहा है हमारा यार। गाइस ये यार सिर्फ ठाकी मुट्ठी चल गया। हम तो अभी बैठ गए और ब्लॉग का एंड करता हूं। तो सेक्स मारा हुआ है हमने खाली ले। भाई ने सॉरी मार दिया गाइस, ब्लॉग में ये फिनिशिंग करता हूं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हो।